शिवपुरी देहात थाना पुलिस ने गौशाला में युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल अल सुबह देहात पुलिस को मृतक के भाई से सूचना मिली थी कि गौशाला क्षेत्र में उसके भाई को किसी ने मार दिया है, जिसकी लाश नाले के पास पड़ी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और घटना की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी थी। वहीं घटना का खुलासा कर पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि मृतक के पिता और ताऊ के लड़के ने मृतक के साथ शराब पीने के दौरान विवाद के चलते कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या कर दी और पास ही के नाले में उसकी लाश को फेंक दी, जिसमें पुलिस को 24 घंटे में गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। राम प्रसाद यादव ने इसको अपने लड़के को कुल्हाड़ी मार दी गर्दन पे और दो चाकू के बाद जगदीश ने कर दी तो स्पॉट पे डेथ हो गई। इसके बाद में इन्होंने उसको पहले पूरा बरामदे को साफ किया, नाली से वो खून वगैरह बहाया और उसके बाद इसकी बॉडी को खींच के ले गए। तो रास्ते में वो मिट्टी राख ये सब चीज़ें उसके शरीर पे पीछे की तरफ पूरा शरीर छिल गया, उठा नहीं पाए क्योंकि राम प्रसाद यादव जो है उनकी उम्र की ज़्यादा है, वही की आदि पीछे आगे से खींच रहा था और ये सहारा दे रहा था। ये इन्होंने कबूल कर दिया है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जिसमें एक राम किशन शाह कोहली जो है 30 साल के करीबन उम्र का, इसकी लाश भी थी, उसके गला कटा हुआ था। इसके भाई ने फोन करके बताया था कि इसकी लाश पड़ी हुई है, किसी ने मार दिया है। पुलिस मौके पे गई, इसमें हमारे SDOP जो है अजय भार्गव शिवपुरी वाले और TI विकास यादव और उनकी पूरी टीम ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल को देखा। वहाँ पर ये पाया गया कि घटनास्थल जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे उसकी बॉडी को लेके पटका गया है और उसको पूरा देखते हुए जब वापस प्रेस किया गया तो उसके घर के अंदर ही पूरा खून का सामान मिला, घर के बरामदे में ही। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसका पिता, ये जब पूरा घटनाक्रम दिया है, कल शाम को लोग शराब पी कर उसका पिता है राम प्रसाद यादव और उसका राम प्रसाद साख्य और जगदीश साख्य जो उसके ताऊ का लड़का है और ये मृतक, ये तीनों शराब पी रहे थे। इन पर विवाद होने लगा और इसमें झगड़ा होने लगा इनका और उसमें फिर एक कुल्हाड़ी से वार इसने किया है राम प्रसाद ने और चाकू से वार जगदीश ने किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और 2 घंटे के अंदर ही घटना के बाद में इस केस का खुलासा कर लिया गया है और इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो एक अच्छी अंधा हत्याकांड जो था उसका खुलासा हो। हाँ, घटना के समय मृतक की माँ जो है वहाँ पे लोग कितनी खेल की चौकीदारी करते हैं, जो वहाँ पे एक वकील साहब हैं उनके घर पे थी वो, तो जो उनके घर पर उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी तो उनके यहाँ पे रुकी हुई थी रात में। तो केवल 3:15 के आसपास जो छोटा लड़का है जिसको बाद में पिता ने बताया कि ये भाई मिल नहीं रहा कहीं चला गया है, तो उसने फ़ोन किया, जैसे उसने देखी लाश तो उसने माँ को फ़ोन किया, फिर माँ पहुँची घटनास्थल पर और पुलिस को साथ में सूचना दी गई तो पुलिस भी मौके पर। सर कारण क्या था इनका? ये बताना है कि बाप और बेटे का बहुत विवाद चलता था, ये राम किशन का और राम प्रसाद का, और ये काफ़ी पैसा कमाता था लेकिन बाप को नहीं देता था और काफ़ी शराब पीना और अय्याशी करना उसका भी काम था, मृतक का भी और पिता को भी इस बात में बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।